So, okay, students, let's start. We will start with Omkar, followed by Gayatri Mantra. Take long breath and start Omkar. Again, continue. Control on your breathing system as well as your voice. So remember that whenever you are singing this Omkar, it should be in proper note. It should be straight notes. Sound of Omkar should not shake, हल्ला नहीं चाहिए. Straight Omkar एक सुर में आना चाहिए. So remember while practicing it. Like this Omkar you have to practice 5 to 10 times. After that you can proceed for the Gayatri Mantra. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर् This shloka also you have to practice 5 to 10 times. After that you can proceed for the first alankar. Okay, so let's start first alankar. Sa सबसे पहले सा का आवाज जो है वो स्ट्रेट लगाना है, जल्दबाजी नहीं करना है बाकी स्वर लगाने के लिए. एक एक स्वर अच्छे से लगाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है एक एक नोट्स के ऊपर. आपको ध्यान देना है कि आपका साउंड जो है, वॉइस जो है, हर एक नोट्स का ठीक से लग रहा है या नहीं. जब तक ठीक से लगता नहीं है तब तक आगे का नोट्स गाना नहीं. सो रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. सा सा
जब भी आप अलंकार स्टार्ट करते हो तब ये बात ध्यान में रखना है कि अलंकार में आरोह और अवरोह ये दोनों चीजें होती है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते समय जब आप नेक्स्ट नोट लगाते हैं तो उस नोट का साउंड जो है, वॉल्यूम जो है, वो पहले नोट से बढ़ना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में गाने के लिए। आरोह की डेफिनेशन क्या है, स्वरों को चढ़ते हुए क्रम में गाने की क्रिया को आरोह कहते हैं। तो चढ़ते हुए क्रम में गाने की क्रिया को कैसे करेंगे हम लोग, हर एक नोट्स का आवाज बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। सांसे रे की आवाज ऊंची होनी चाहिए, रे से ग की आवाज ऊंची होनी चाहिए, ऐसे करते हुए आपको असेंडिंग ऑर्डर गाना है, आरोह गाना है। तो लेट स्टार्ट कि हम लोग आरोह गाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे गाते हैं। सा रे ग हर एक नोट्स का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्वर का आवाज बढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस करते समय भी एक एक स्वर का आवाज बढ़ाना है। अगेन ना, सा रे ग म प ध नी आप यदि ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला जो सा हमने गाया और आखिरी वाला जो सा गाया, दोनों में काफी डिफरेंस है। हमने जो फर्स्ट साउंड सा का गाया था वो ये साउंड था सा, और लास्ट सा का साउंड क्या था, सा। इट मींस हम लोग लगातार हमारी आवाज को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी आवाज का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। That is called ascending order, और जिसे हम लोग आरोह कहते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते समय ये सारी चीजें, छोटी सी छोटी इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप लोग आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही वर्क देता हूँ, और ये रेगुलर वर्क आपको अप टिल नेक्स्ट वीक तक करना है। और मीनवाइल आपको जैसे भी समय मिलता है तो कोई भी एक सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपने गलती की है, या तो कौन से स्वर को किस तरह से लगा और गा अच्छे से गा सकते हैं आप लोग। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगा। यदि आप लोग वीडियो भेजते हैं तो मैं आप लोगों का जो क्वेरी है वो क्लियर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।